धर्मशाला नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनावों को लेकर धर्मशाला नगर निगम के पूर्व मेयर ओंकार सिंह का कहना है कि 13 अक्टूबर को धर्मशाला में नगर निगम के मेयर के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनावों की तारीख घोषित की जाती है, भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार अपना वर्चस्व दिखाएगी। नगर निगम धर्मशाला का जो टेन्योर था मेयर का, वो ख़त्म हो चुका है 13 तारीख पिछले महीने। अब जो है आज पालमपुर में चुनाव हो गए हैं, इसके बाद जो है अब धर्मशाला की बारी है। अब जिस दिन भी डेट आई उस दिन चुनाव के लिए तैयार हैं हम। बीजेपी के जो पार्षद हैं वो हमारे 10 हैं और तैयारियाँ जो वो पूरी बिल्कुल ठीक है। मेयर जो बीजेपी का ही बनेगा, ये सरकार का फैसला। और ये जो है ये पहले तो यहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है वो सरकार ने ये फैसला लिया है। हर आदमी ने सोचा होता है, आपने भी सोचा, प्रेस वाले भी सोच रहे हैं वो बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, लेकिन निर्णय जो बैठ के लिए जाएगा। 10 काउंसलर है और वो अपना निर्णय लेंगे, बनेगा एक ही और सहमति बनेगी सबकी एक के ऊपर। वहीं कांग्रेस के पूर्व मेयर देवेंद्र जग्गी ने बताया कि चाहे कोई भी व्यक्ति मेयर की गद्दी पर बैठे, वह राजनीति से उठकर काम करे और धर्मशाला के विकास को आगे लेकर जाए। मेयर बने, चाहे वो पालमपुर में बने, धर्मशाला, शिमला, मंडी, जहाँ बने, शहर के प्रति एक उसके दिमाग में एक मैप रोड जो बोल सकते हैं हम, वो होना चाहिए और शहर के लोगों की बेहतरी के लिए, बेहतर जीवन यापन के लिए सभी सुविधाएँ जो हैं वो उनको कैसे मिले, उसका सारा जो एक ब्लूप्रिंट है वो उसके दिमाग में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति से ऊपर उठ के वो व्यक्ति काम करे शहर के लिए।